और आज हमारे घर में फिर से खुशियां आ गई है। बारात वाली बस भी आ गई है। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और नए ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है अनीता की बकरी वाली आवाज के साथ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धंतरी गांव से। तो आज है 31 जनवरी और 31 जनवरी को भयंकर बारिश दिखा रखी थी। हालांकि आसमान में बादल तो थोड़ा बहुत घिरे हुए, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे सूर्य देव दर्शन देने की, और आग की वजह से अभी भी गाँव में धुंधला धुंधला हो रखा है। जिस हिसाब से मौसम विभाग ने कहा था कि 31 को सीधे बर्फ गिरेगी, यानी कि जब मैं नेट पे देख रहा था तो बारिश नहीं सीधे बर्फ दिखा रहा था, तो मैंने सोचा आज सुबह उठते ही मैं बर्फ के दर्शन करूंगा, लेकिन उल्टा हो गया। जैसे ही उठा फिर से इसी धुएं के दर्शन कर रहा हूँ, जिसको कि पिछले 2-3 महीने से झेलता आ रहा हूँ। और यहाँ की बात करें तो शेर कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को तोड़ने की बराबरी कर रहा है और मस्त करके सो रखा है। तो काफी दिनों बाद आज उनके दर्शन हुए हैं, जिन्होंने हमारे गांव के जो माँ दुर्गा का मंदिर है उसको बनाया था। तो भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ कला दी हुई होती है। अंकल जी के हाथों में इतना जादू है कि हमारे इधर साइड जितने भी अधिकांश मंदिर है इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, और इसका जीता जाता सबूत आप सामने दे सकते हैं, जो हमारी माँ दुर्गा का मंदिर बन रखा है कितना खूबसूरत और कितना भव्य बन रखा है। अब तो भाई साहब बादलों ने सूर्य देव को जकड़ना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब आज के दिन जिनकी शादी होगी ना वो तो बहुत ज्यादा रो रहे होंगे, और एक शादी हमारे इस इलाके में भी है, यानी कि यहाँ से जिस सीरी गांव है वहाँ एक लड़की की शादी है और मौसम पूरा काला हो गया, और आज वहाँ लड़के पक्ष से लोग आएंगे तो कितना बुरा लग रहा होगा उनको। और हमारे पहाड़ों में माना जाता है कि जिस दिन शादी में अगर बारिश हो गई ना तो समझो कि आपने कहीं जला हुआ भात खाया, यानी कि चावल जले वो खाए उसको बोलते हैं कि उस दिन तुम्हारी शादी में बारिश होगी। हाल फिलहाल तो भाई साहब यहाँ भी भात बन रहा है और मैं नहीं चाहूंगा ये जले और उसके बाद में खाऊं, नहीं तो मेरी शादी के दिन भी भाई साहब बारिश होगी और लोग तो खुश होंगे लेकिन बुरा मुझे ही लगेगा, इसलिए उसको देखते रहता हूँ बार बार, जले ना बस। मौसम जिस हिसाब से काला हो रहा है उस हिसाब से सब जो गांव के लोग हैं जो उन्होंने पेड़ पे पराल लगा रखा है उसको हटा रहे हैं, और कुछ पराल निकाल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसके बाद पराल गीला हो जाएगा, उसके बाद उसको पशु नहीं खा सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत पराल पेड़ से निकाल के उसको कमरे में स्टोर कर रहे हैं। बाकी भाई मौसम काला हो सूखा हो चमकदार हो लेकिन मेरी माँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी माँ को जिस दिन कपड़े धुलने उस दिन जाएगी जाएगी, और इतना बड़ा टप कपड़ों से भरकर माँ चल पड़ी पनियारा कपड़े धुलने, और ये भी चल पड़ा माँ के पीछे, इसकी नींद भी खुल गई भाई साहब। तो आज मौसम खराब है तो दादी को ठंडा लगने लग गया ने, और कंबल ओढ़ कर बैठ रखी है और कोशिश कर रही कि शायद सूर्य देव दर्शन दे, दे दो दर्शन, दे दो भाई साहब दे दो दर्शन, दादी यहाँ ठंड से मरने वाली है, लेकिन मन नहीं देंगे हम, ठीक है? क्योंकि मैंने दादी से वादा कर रखा है कि अभी तो तू अपने पुतड़े भी देखेगी, यानी कि नाती हम है और हमारे जो बच्चे होंगे वो दादी के पुतड़े होंगे। तो दादाजी तो इस दुनिया में है नहीं, दादाजी भी पहले बहुत बोलते थे कि तेरी शादी कब होगी, तेली बुआरी कब लाएंगे। तो दादाजी लगभग 2012-13 में चले गए थे, लेकिन बहुत चिढ़ाते थे मेरे को तेरी शादी कराएंगे जल्दी। उनका सपना तो नहीं हो पाया पुतड़ा देखने का, लेकिन दादी का सपना हम पूरा करेंगे साहब इसी जन्म में। वैसे दादी का सपना तो एक दो बार हो भी चुका है, क्योंकि मेरे बड़े भाई का भी लड़का हो रखा है, और हमारे जो हेमंत भाई है जो कि दिल्ली में हॉस्पिटल में है उनका भी भगवान की कृपा से बालक या बालिका होने वाली है। हो सकता है मैं वहाँ भी जाऊँ और आप लोगों को वहाँ भी दिखाऊँ, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा भी और दादी उसको भी देखे, हमारे प्रोडक्ट को भी देखे दादी एक बार, पहाड़ी भाई का प्रोडक्ट। और पहाड़ी भाई का प्रोडक्ट होगा पहाड़ी चाय। वाह, क्या नाम रखूंगा, आहा मैं तो अभी से बच्चों का नाम रखना शुरू कर रहा हूँ। वाह, क्या क्रिएटिविटी है भाई, मान गया तुझे। सामने देखिए जी, भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को ला रहे हैं और देखो कैसे झुंड में आ रहे हैं, इतनी सारी मिट्टी हवा में उड़ रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से बवंडर आ रहा है। तो देखिए जी, भेड़ बकरी चरवाहा जो होते हैं ना उनके लिए भी बारिश हो सूखा हो कुछ भी हो उनको तो भाई भेड़ बकरी को चराना ही पड़ता है। तो चले फाइनली मैं भी तैयार हो गया हूँ, हालांकि तैयार कहीं के लिए नहीं हुआ, यानी कि फ्रेश होके एकदम मुंह धुल के लगना चाहिए ना भाई कि यार बंदा है। तो बाकी अभी और मौसम को देख के अभी लग नहीं रहा कि अभी दिन की 12:15 बज रही होगी, और सामने देखे हमारी बुआ जी आ रखे हैं, थोड़ी देर पहले अपने घर गए थे फिर आ गए, तो ये आए माँ जी को लेने क्योंकि ये लकड़ी लेने जा रहे हैं। और माँ जी तो भाई आगे टाइम से जा रही है पनियारा कपड़े धुलने, आज पता नहीं माँ जी को कैसा लगा कि इस मौसम में कपड़े धुलने चाहिए। जो बादल छोटे छोटे थे वो पूरे आसमान में घिर गए हैं, और सामने इधर कहीं सूर्य देव है वो भी उन्होंने जकड़ लिया है, और गौशाला डिपार्टमेंट की बात किया है तो मधुली और बिंदु आज सोच रहे कि ये भगवान धूप कहाँ गया आज, तो यानी कि जो नेट ने दिखाया था आज वो फिट बैठ रहा है। और यहाँ अगर चरपाई की बात किया है तो दोनों दादी अभी कंबल में बैठ रखे हैं, ठंडा लग रहा दोनों को, ठंड लग रही, एक को ठंड लग रही एक को नहीं लग रही, ऐसा कैसे हो रहा भाई, नहीं लग रही नी, ए तो ये दादी बहुत खतरनाक है भाई, इसको ठंड नहीं लग रही, और इस वाली दादी को ठंड लग रही नी,
इस वाली दादी की उम्र ज्यादा है, इसकी थोड़ा कम है, इसका रीजन ये भी हो सकता है। नहीं दादी, चलो बैठो बैठो। जैसे कि मैंने कहा था कि सामने जो सिरी गांव है वहाँ बारात जाएगी, तो लड़के पक्ष के लोग आ गए और मस्त गाड़ी के ऊपर बैंड बाजे बज रहे हो, नाचने का मन कर रहा भाई। तो जो बारात है अभी मार्केट में पहुंची है और ठीक सामने वहाँ जाएगी जहाँ की सिरी गांव है, लेकिन मौसम देखो भाई साहब, वो जो बारात है यहीं से होके जाएगी, यही मेन रोड है। तो मार्केट से तो बारात के बैंड बाजे की आवाज आ रही, लेकिन यहाँ पे दो भाभियाँ खड़ी है। तो ये है इधर साइड छोटी भाभी, तो इनकी शादी हुई थी लॉकडाउन में, तो ये बैंड बाजे की आवाज सुन रहे तो ये बोल रहा है, अरे यार हमारे साथ तो नाइंसाफी हुई है, अब नहीं हो सकता भाभी। अरे वाह, इसमें तो डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनका केमिस्ट है मार्केट में। तो बस पे जितने भी नाचने वाले हैं सब मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे भाई साहब वीडियो बनाओ। तो चले जी, माँ जी भी आ गए हैं पनारा से कपड़े धुल के। तो चले जी, बाराती में जितने भी बारात मेहमान थे उनको खुशी उतनी बारात की नहीं थी जितनी उनको मेरे को देख के हुई, यानी कि सब लोग बैंड बाजे बज रहे और वहाँ चिल्ला रहे पाड़ी भाई पी लो चाय। काफी अच्छा लगता है, काफी प्राउड फील होता है कि चलो दो ढाई साल की जो मेहनत है उसमें इतना मान सम्मान कमाया। तो चले जी, समय अभी दिन की 2 बज रही है और सूर्यदेव पूरी तरह से बादलों के बीच में छुप गए हैं और आज हमारे घर में फिर से खुशियाँ आ गई है। खुशियाँ इसलिए है क्योंकि मेरी बहन आ रखी है अपने हस्बैंड के साथ, जिसको कि मैंने पिताजी ने कुछ दिन पहले उसके ससुराल छोड़ा था, तो आज वो दोनों हमारे घर आ रखे हैं। और काफी अच्छा लगता है जब कोई घर में आता है, काफी खुशियाँ होती है, घर भरा भरा सा लगता है, लेकिन जब कोई चले जाता तो उसके बाद थोड़ा बुरा भी लगता है। चलिए आपके सामने फिर से बहन और बहन के हस्बैंड को पेश करते हैं। आइए भाई आइए। दो अनजाने अजनबी, क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। चले जी, फाइनली ये है नव युगल जोड़े। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बढ़िया। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ गई? बहुत जिम्मेदारी पड़ गई भाई साहब, कमजोर हो गए एकदम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली पहले से ऐसी है, ऐसा ना सोचे, ये सूख रहे हैं, ये ठीक हो रहे हैं एकदम। और स्वागत है आपका मेरे घर में। ये तो 2-3 बार आ गए लेकिन आप नहीं आ रहे थे बीच बीच में, क्या हो गया? इनका काम ही रहता है आजकल, इसलिए बर्थडे में नहीं आ पाया। एक्चुअली इनके गाँव में पहाड़ था, ये भी उसमें पंडित जी थे, तो इस वजह से नहीं आ पाए। मतलब बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपकी बहन आए तो आपके हमारे मित्र वर हो गए। ये हमारे मित्र वर है, क्यों मित्र? दोस्त वाला मित्र नहीं, मित्र वर। अगर मित्र है तब तो दोस्त है, लेकिन मित्र वर मतलब बहन का वर, मित्र वर। देखा मेरा लॉजिक? बैठे रहो अंदर, ठंड लग रही ना, ठीक है? टीवी देखो आराम, ठीक है? ठीक है, आप भी टीवी देखो, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अब थोड़ी देर में माँ जी भी आएगी, क्योंकि माँ जी जा रही जंगलों में लकड़ी के लिए, तो उसके बाद गर्मा गर्म चाय बनाएंगे। एक बार पीली चाय। ओ यहाँ मत बोला कर यार तू। आप बोलते कि सब्सक्राइबरों को सच दिखाने, झूठ क्यों बोल रहे आप अभी? ओ, दोस्तों मैंने सच में थोड़ी देर पहले एक गिलास चाय पी थी, अब इसने ढोल क्यों बोल रहे हैं अभी? इधर मत बताना। ओहो मजाक हो गया, ढोल की पोल खोल दी इसने, चल चल झल पढ़ाई कर मेरी प्यारी। चलिए जी, थोड़ी देर पहले चाय पी थी इसने बता दिया। बाकी ठंडा इतना ज्यादा हो गया है कि मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया है। भैया मैं आजकल हर जगह सुन रही हूँ कि आपको भाभी नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही आपको भाभी? मिलेगी 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 भाभी, मिलेगी यार मिलेगी। तो देखिए जी, इन्होंने आते ही ये टॉपिक छिड़ दिया कि भाभी नहीं मिल रही, भाभी नहीं मिल रही। यार क्या बटा है क्या मेरे को? अच्छा अपने मित्र वर से पूछते हैं। हाँ जी, लगता हूँ मैं लौंडा, कोई कमी है तो बता दो। देखा मतलब क्या हो गया, चश्मे चश्मे लग गए तो थोड़ा नजर कम हो गई। देखा अपने मित्र वर बोल रहे भाई हीरो, मिल जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बस ठीक है। तो ये चढ़ा रहे, देखो ये भैया भाई भी नहीं मिल, इंतजार कर रहे कब आएगी मेरी भाभी। हाँ तब तो तुम्हारा आना मुश्किल हो गया। देखो अगर इज्जतदार भाभी मिल गई तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और खतरनाक मिलेगी तो ये हमारा घर नर्क बन जाएगा। बाकी किस्मत की बात है क्या मिलती, क्यों मित्रवर जी? बाकी अब इस टॉपिक को मत छिड़ो यार, बार बार भाभी नहीं मिल रही, भाभी जले पे नमक मत छिड़को। तो देखिए जी, बारिश हो चड़क पड़े कुछ भी हो, लेकिन इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हेलो हेलो हेलो, यहाँ नहीं, अंदर जाओ यार, उधर सो। ये क्या है तुम यहाँ पे यार, कुछ भी है, उठ जाओ यार। क्या हो गया, क्या डिप्रेशन में कुछ है? किस चीज का गम है तेरे को? तेरे को भी कोई गम हो रहा आजकल? अरे हद है यार कसम से यार। चले मेरा गम तो जायज है, पर ये क्यों गम में हो रहा है आजकल यार? हद है यार ये कसम से, ये और हंसा रहा लोगों को। तो चले जी, समय 4 बज रही और बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। बाकी माँ जी भी आ गई लकड़ी लेके। हेलो, अरे वाह पहाड़ की नारी, धन हो प्रभु, बारिश धूप कुछ नहीं देखेगी। तो देखिए जी, मौसम ने एकदम करवट बदल दी है और रिमझिम बारिश होने लग गई है।
और मौसम एकदम डाउन हो गया है। यानी कि थोड़ी देर पहले तो उतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अभी जो बोलते ना कि बर्फ गिरने वाली है, ऐसी ठंड लग रही है। और कल तक जो धुआं चारों तरफ फैल रखा था, तो वहाँ अब कोहरा छाने लग गया है। यानी कि बारिश होने से पहले जो कोहरा छाता है वो चारों तरफ छाने लग गया है। बाकी अपनी माँ की बात करें तो बारिश हो कुछ भी, भाई मेरी माँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ जी ने बारिश ही में लकड़ी लाई और बारिश में ही पराल ला रही है पेड़ से। चलिए, अगर कल तक ऐसी कंटिन्यू बारिश होती रही तो बहुत जल्द पहाड़ियों पे हमें बर्फ देखने को मिलेगी और हो सकता है हमारे गांव में भी बर्फ गिरे। माँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब, लगी बारिश में भी काम पे। तो बारिश की जो रफ्तार है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। तो चले जी, बाकी पिछले वीडियो में मेरे को कमेंट आया था कि आपने बल ये जो ड्रोन शॉट है अपने गांव का कैसे लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब कुछ महीने पहले आलोक भाई हमारे गांव में आए थे, यानी कि पहाड़ी बाइकर भाई, तो उन्होंने हमारे गांव में आने के बाद ड्रोन उड़ाया था, तो उन्होंने ही मुझे वो क्लिप भेजी है। बाकी मेरे कैमरे से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता हमारे गांव का व्यू, और जब ड्रोन से देखा जाता तो उसके बाद तो और ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। बाकी भाई शेरू भी कहीं से भीग के आ गया मस्त करके, और बाहर तो मौसम पूरा काला हो गया और भयंकर बारिश हो रही है, और अंदर गर्मा गर्म पकौड़ी बनाई जा रही है। यानी कि पहाड़ों में जब भी मौसम काला होता है और बारिश होती है तो घर में कुछ ना कुछ डिश बनाई जाती है। तो आज अनीता गर्मा गर्म पकौड़ी बना रही है। थैंक यू जी। हाँ वेलकम हो गए। ए बाबा ठीक है। और ठीक यहाँ की बात की जाए तो दादी ने आज बहुत जल्दी रजाई पकड़ ली, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया है। और दादी आज क्या देख रही, अरे वाह ढिंचक ढिंचक देख रही, क्या बात है, ये चैनल खतरनाक है ढिंचक। मस्त गर्मा गर्म चाय अब गिलास में रखी जा रही है और मस्त गर्मा गर्म पकौड़ी भी बना दी है। कितना टैलेंट है भाई तेरे अंदर। टैलेंट तो सबके अंदर रहता है, लेकिन अनीता के अंदर टैलेंट है। टैलेंट नहीं नहीं टैलेंट है, बस खुश रहे। तो चलिए अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी और गर्मा गर्म पकौड़ी हमारे मित्रवर को दे दी। हाँ जी मित्रवर, कैसी हो रही पकौड़ी? यहाँ तो मित्रवर बैठ रखे, लेकिन मित्रवर की जो वाइफ है यानी कि हमारी छोटी बहन, ये देखो पति को तो बाहर हवा में बिठा रखा और यहाँ दोनों भाई साहब यहाँ रजाई में बैठ रखे हैं। तो मस्त करके माँ जी और छोटी बहन यहाँ रजाई में पकौड़ी खा रहे हैं बैठ के, और हमारे मित्रवर बाहर पे बेचारे ठिठुरा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कंबल कुंबल निकालो यार। अरे कैमरे के आगे नहीं लग रहे, कैमरा बंद कर दे तुम। हाँ और अपने जियाजी के लिए, ए बाबा अनीता हमारे लिए तो कभी नहीं बनी पकौड़ी। ए पापा, ए जीजाजी सामने क्या, ए बाबा, ए बाबा। तो ये मित्र वह लगते हैं अनीता के जीजाजी, और देखो अनीता की मुस्कुराहट, ए बाबा। सही है बेटा सही है, हमें देख के तो बहुत दुख हो गए थे। दादी ठीक है बढ़िया करके, तू भी दंगल पंगल देख रहे, पर दंगल मत करना यहाँ ठीक है। चलो खाओ, है कैमरा बंद कर रहा हूँ, खाओ तुम पकौड़ी। ना ना खाओ खाओ खाओ, कैमरा बंद करता हूँ, खाओ तुम। चलिए मेले भी आ रही गर्मा गर्म पकौड़ी। चलिए जी, समय अभी 6:15 बज रही है और बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। और बाकी छोटी बहन ने आज मिठाई ला रखी, तो थोड़ा मिठाई भी खिलाते जरा सबको। पहली बार इसने मिठाई लाने का साहस किया, शाबाश। अरे वाह, भुक्कड़ इंसान तो पहले आगे पीछे, इसका कोई भरोसा नहीं हो सकता इसने मिठाई पहले चख ली हो। चलो जरा हैप्पी बर्थडे, ओ सॉरी हैप्पी बर्थडे नहीं, ऐसी। तो ये किस खुशी में खिलाई तुमने आपस में मिठाई? या, भतीजी ने आए। अच्छा तो माँ जी बोल रही है भतीजी ने बल मिठाई लाई, इस खुशी में खिलाई। अरे वाह, दादी को भी खिला रही है, क्या बात है क्या बात है। देखिए जी, नॉर्मली मिठाई क्या उठाते खाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज को सेलिब्रेशन बना के खाएं। तो मिठाई खाई तो ऐसे खाई जैसे केक खा रहे हैं, अलग ही मजा है ना। ऐसे करके जिंदगी जियो दोस्तों, क्या लेके जाना है इस दुनिया से। तो चलिए अब ये अपनी छोटी बहन को भी खिला रही है। अरे वाह, तो चलिए जी फाइनली जो मिठाई है उसका उद्घाटन हो चुका है। चलो बढ़िया, नहीं नहीं खाए आज माँ जी बहुत खुश हो रही है भाई, क्योंकि रंग बिरंगी मिठाई आ रही है इसमें।